हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं उस फॉर्मूले या उस स्ट्रेटेजी की जिसको फॉलो करके आप अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, आपके अवेलेबल टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने एफर्ट्स के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और फाइनली इन सब के थ्रू आपका जो ड्रीम है या गोल है आप उसे अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं एक PSU बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट की टू सक्सेस से, विच इज डोंट लिमिट योरसेल्फ, या आपको अपना कोई भी दायरा या सीमा नहीं बनानी है। आप इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि जो चीता है वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन जब ये चीता किसी हिरण का शिकार करता है तो वो हिरण उस चीते की स्पीड को भी क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लिमिट खुद बनाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम इन लिमिट्स को क्रॉस भी कर सकते हैं, मगर जरूरत है आपको अपने आप को चैलेंज करने की और ये विश्वास दिलाने की कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान हम कई तरह की लिमिट्स क्रिएट कर लेते हैं या रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं जल्दी उठ नहीं सकता हूँ, मैं रात को पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में बड़ा दिक्कत होता है और मुझे नींद बहुत आती है। ये सारी लिमिट आपको आपके गोल से दूर कर रही हैं। तो ज़रूरत है आप अपने आप को चैलेंज करें और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें अपनी इन लिमिट्स को पुश करते हुए। नाउ कम टू द सेकेंड की टू सक्सेस, विच इज स्टे फोकस्ड। आपने स्टे फोकस रहने के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन फोकस से ज्यादा जरूरी है आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को समझना होगा। आपको उन सभी चीजों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना होगा जो आपको आपके गोल या ड्रीम को अचीव करने से रोक रही हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसी तरह की चीजों के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। देखिए, आजकल हमारे टाइम का बहुत बड़ा पार्ट मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ये कहना भी इम्प्रैक्टिकल होगा कि आप अपने मोबाइल फोन को यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मेरा ये वीडियो भी मोबाइल फोन के थ्रू ही देख रहे हो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कहां अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिससे आप अपने मोबाइल फोन के यूसेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। जो पहली चीज आपको करनी है वो ये कि आपके फोन में जो भी एप्स हैं आपको उनके नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है, क्योंकि बार बार जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हमारा मन करता है कि चलो भाई मोबाइल को चेक कर लें। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप जहां भी सोते हैं आपको अपने मोबाइल फोन को वहां से दूर रखना है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले और उठते साथ ही ये चेक करते हैं कि मोबाइल में नया क्या आया है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें समय का ध्यान भी नहीं रहता और कई घंटों तक हम मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे अगले दिन का शेड्यूल भी हम बिगाड़ लेते हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सोशल मीडिया पर जो ग्रुप्स हैं और पेजेस हैं इनमें होने वाली कमेंट वार में आपको अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। आपके लिए हर बार ये जरूरी नहीं कि आप हर पोस्ट पर जाके कमेंट करें, क्योंकि उनसे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज लेस इन्वॉल्वमेंट इन अनप्रोडक्टिव थिंग्स। मतलब आपको अपने डेली लाइफ में आने वाली रूटीन चीजों से अपने आप को दूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और साथ ही इंगेजिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने सोचा है कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट करने जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जो आपको मेंटली परेशान करते हैं और आपके आने वाले स्टडी आवर्स को भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो आपको इस तरह की चीजों को लिमिट करने की, रिस्ट्रिक्ट करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। आपने JK रोलिंग का नाम तो सुना ही होगा। जब JK रोलिंग अपनी हैरी पॉटर सीरीज पे काम कर रही थी तो वो अपनी फैमिली से दूर जाकर एक होटल में रह रही थी, और आपको उसका रिजल्ट पता ही है। आज JK रोलिंग का जो नाम है वो दुनिया के बेस्ट ऑथर्स में गिना जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज, इन दिस एज इट इज वेरी नॉर्मल टू हैविंग अ रिलेशनशिप, बट आपको अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है, ना कि उसमें बार बार इश्यूज क्रिएट होते रहें और उसकी वजह से आप परेशान होते रहें। और यदि ऐसा होता है तो आपको इस तरह के रिलेशनशिप से अपने आप को दूर करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द फोकस अगेन, मुझे इस बारे में टोनी रॉबिन्स का एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तब आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, अपनी पूरी एनर्जी को उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे आप अपने ड्रीम को या अपने गोल को 100% अचीव कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की टू सक्सेस, विच इज रीडिफाइन योर सोशल सर्कल। आपको अपने सोशल सर्कल को रीडिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, आप एक सपने को बचपन से देख रहे हैं और आप उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को एंटर करते हैं। वो लोग जो आपको आपके करियर को अचीव करने में आपकी हेल्प करें, या फिर वो लोग जो आपको इससे डिस्ट्रैक्ट करें। हमारे सोशल सर्कल में कई बार इस तरह के कई लोग होते हैं जो कि
ना तो करियर ओरिएंटेड होते हैं, ना ही वो फोकस्ड होते हैं, और ना ही उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हमसे मैच करता है, और इस तरह के लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरह के लोगों को अपने सोशल सर्कल से बाहर करें और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाएं। और साथ ही मैं आपसे अनसोशल होने को भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपको अपना सोशल दायरा बना के भी रखना है और उसमें पॉजिटिव लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की टू सक्सेस, विच इज डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ। मतलब अपने आप को आप विक्टिम समझने की कोशिश ना करें, बिकॉज लाइफ इज नॉट फेयर टू एनीवन, और हर इंसान इस लाइफ में किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रगल जरूर कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आपके कंप्लेन करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डोंट बी ए क्राई बेबी बिकॉज नोबडी केयर्स इन दिस वर्ल्ड। तो जरूरी आपके लिए ये है कि आप अपने आप को प्रॉब्लम वाले पार्ट से दूर ले जाएं और सॉल्यूशन वाले पार्ट पर फोकस करें, तभी आप 100% अपने गोल को या अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की टू सक्सेस, विच इज गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। मतलब आपको अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है। यहां पर अपने लिए से मेरा मतलब है एक्सक्लूसिवली केवल आपके लिए ये समय होगा, और आप किसी भी थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप इस टाइम में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जैसे म्यूजिक सुनना, ये भी आप कर सकते हैं। ये जो टाइम है ये आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह साबित होगा और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, जिससे आप री एनर्जाइज होकर अपने टारगेट पर बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की टू सक्सेस, विच इज अपॉर्चुनिटी डोंट वेट। मतलब मौका बार बार नहीं आता है। देखिए, जो भी दूसरी चीजें हैं वो सभी चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आपके सामने आती है, और इस लिमिटेड टाइम में भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है जो इसको छीनने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है। इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना होगा। देखिए, जो गैर जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपके वीकेंड प्लान्स हो गए, जो आपकी हॉलीडेज हो गए, आपके एंजॉयमेंट हो गए, इन सब चीजों के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और अपने टारगेट पर बेहतर तरीके से फोकस करना होगा। देखिए, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से इन सभी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, दैट इज यू। आप ही वो की है जो कि अपनी सक्सेस को अनलॉक कर सकती है, बट जरूरत है आपको अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाने की। यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि आप उस पे 100% भरोसा नहीं करते हैं, बट जरूरत है आपको अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करने की कि उसे अपने टारगेट के अलावा और कुछ दिखाई ही ना दे। देखिए, अगर आप इस चीज को करने में सक्षम होते हैं तो ना केवल आप अपने करंट टारगेट को बल्कि भविष्य में आपकी लाइफ में आने वाले किसी भी टारगेट को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सो पुट द पेडल टू द मेटल एंड गेट रेडी टू टेस्ट द सक्सेस। आई होप कि आपको हमारे सजेशंस पसंद आए होंगे, एंड वी विश कि आप हमारे सजेशंस को फॉलो करके, हमारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपने डिजायर्ड टारगेट्स को पूरा कर पाएं। इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल द पाठशाला को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।